गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आई वेलकम यू ऑल अगेन। फिर से हम इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के एक और क्लास में यूपीएससी अड्डा 24/7 पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जल्दी से मुझे ज्वाइन कर लीजिए फॉर दिस अमेजिंग क्लास। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव आर्ट एंड कल्चर का एक सेक्शन है इंडियन हैंडीक्राफ्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कितनी तरह के हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, साथ के साथ आपके हैंडीक्राफ्ट्स के अलावा आपके आसपास के एरिया में क्या क्या जो फेमस चीजें हैं ये आप मुझे बताएंगे। तो क्लास टोटल मैं बता रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मुझे। गुड मॉर्निंग नुसरत, गुड मॉर्निंग निकी, गुड मॉर्निंग। आज टाइम पे आ गई फाइनली, हैशटैग रेगुलर क्या बात है। तो कभी कभी आती है निकी, है ना। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएससी अड्डा 24/7 अगर आप चैनल ज्वाइन करते हैं तो मेरी क्लासेस यहाँ पे मॉर्निंग 7 AM है, के बाद 9 AM, देन 5 PM ये क्लास हो गई। देन दीपू, अरे दीपू आ गई, गुड मॉर्निंग। ये हमारी वो तो नहीं भारती कहीं, ये हमारी पीयू तो नहीं, कौन है ये, कौन है दीपू? दीपू इतने सालों बाद मुझे पर्दा हटाइए आप अपने चेहरे से, कौन है, बहुत दिनों बाद आ पाए हैं, है ना। क्या आप पीयू तो नहीं, जल्दी से बताइए। और क्लास शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स आप सब लोग। और इसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मॉर्निंग में आपका अगर आप क्लास मेरी लेते हैं 7 बजे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आप एक बार देखिए, ठीक है, आप मेरी करंट अफेयर्स का क्लास भी एक बार देखिएगा, फिर देन उसको एनालाइज कीजिए आप, ओके। चलिए जी, तो इसके बाद हम आज का जो क्लास है वो स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का। और इसके बाद अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं, ठीक है, आप थ्रू आउट यूपीएससी अड्डा और अड्डा 24/7 वेबसाइट पर जाके आप कोई भी कोर्स खरीदेंगे तो आप एक ही कोड यूज कीजिए, वो कोड है आपका Y326। और अगर आपका कोई नोन पर्सन भी यूज करता है तो वो भी उनको भी बताइए कि मैम का कोड है ये, आप यूज कीजिएगा फॉर द 77% डिस्काउंट एंड प्लस बेनिफिट्स, राइट। तो ये सब आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और क्या कहना चाहते हैं, एक्चुअली मैम आपकी क्लास का टाइम और मेरा शेड्यूल मैच नहीं हो रहा। निकी जी, 3 बार क्लास और तीनों बार मैच नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है? यस मैम, बहुत दिन बाद आए हैं हम। क्यों क्यों दीवू, ऐसा क्या हो गया था कि आप इतने दिनों बाद आए हैं? होता नहीं, करना पड़ता है, क्या नहीं होता है बताइए। और इसके बाद आ जाइए आप लोग, ठीक है। तो आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट। इसके अलावा प्रीलिम्स क्रैकर बैच में आप लोगों का इंटरेस्ट है तो जरूर आ जाइए, एक क्लास मैं आपके लिए फ्री करवाने वाली हूँ, ठीक है। सो ज्वाइन मी ऑल, टाइम से आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। इंडियन हैंडीक्राफ्ट क्या होते हैं? पहली बात, हैंडी, हैंडी का मतलब तो बहुत हैंडी है, कहते नहीं, ये तो बहुत हैंडी है, बहुत ईजी है इसको काम करना। तो ये वो चीजें होती हैं जो इनहेरेंट, जो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड होती है और वहां के लोग उसको हाथ से बनाते हैं, हैंड से बनाते हैं, राइट। हाथों से उस कलाकारी को, जो उनका एक तरह से ट्रेड में भी काम आती है, उनका बिजनेस भी है, उनका इकोनॉमी भी है, साथ के साथ उस जगह का ये पहचान भी है। तो हैंडीक्राफ्ट बेसिकली हाथ से बनाई हुई सब चीजें, चाहे वो मेटल की हो, क्लॉथ की हो सकती है, कोई आपका कोई और चीज होती, लकड़ी की हो सकती है। सुदर्शन जी नमस्कार, काफी दिनों बाद आए आप भी, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको हम हैंडीक्राफ्ट्स बोल देते हैं। आप स्टूडेंट्स परेशान ना हो, मैं आप सबको, जिन जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, मैं उनको अच्छे से डिक्टेट करके बताऊंगी, इंग्लिश को देख के परेशान मत होना, ठीक है। तो देखो, किसी भी तरह की इक्विपमेंट्स हो गई, क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, बिकॉज मैंने आपको याद होगा, मैंने आर्किटेक्चर के चैप्टर में आपको बताया हुआ है आर्किटेक्चर क्या होता है, जिसमें आपका कंप्लीटली इंजीनियरिंग स्किल्स आपकी काम आती, जो आपने पढ़ा है वही आप अप्लाई कर सकते हैं। बट स्कल्पचर में आपका सिर्फ स्किल काम आता है। स्किल मतलब आप जो सोचते हैं किस तरीके से हमें एक मूर्ति बनानी है, बनाते बनाते भी मूर्ति को आपको लगता है कि नहीं यहाँ से थोड़ा सा इसको मोटा है, पतला कर दें, छोटा है, लंबा कर दें, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे जो इमेजिनरी स्किल्स है ना, वो काम आती हैं जब आप हाथ से काम करते हैं। और यही चीजें यहाँ पर मॉडर्न मशीनरी के होते हुए भी आज भी कामयाब है, कि जहां पर अगर आपने हाथ की कोई भी चीजें, उनका इतना डिमांड है, उनको इतना लोग पूछते, इतना पसंद करते हैं, किसी भी मेले में चले जाइए, किसी भी आप कार्निवल में चले जाइए, आपको हैंडीक्राफ्ट का वैल्यू आज भी वैसे ही बना हुआ है। और इंडिया में अब क्या क्या हैंडीक्राफ्ट का स्टेटस है वो हम जानेंगे इस क्लास में।
और पहली बार आप जान लें कि कितनी तरह के हैंडीक्राफ्ट होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, बताइए। देखो एग्जाम्पल्स में मैंने रखा है कि जो कश्मीरी वुलन कार्पेट हो गया, साथ ही साथ आपका जरी का काम हो गया, कोई प्रॉपर जो है कॉटन हो गया, किसी तरीके का कॉटन, कॉटन पे किसी तरीके का काम हो गया, उसके अलावा आपका बहुत तरीके के सिल्क है इंडिया में, है ना। तो ये दीज ऑल आर, ये सिल्क, ये आपका हैंडीक्राफ्ट में आता है। इसके अलावा आपका टॉयज है, टॉयज भी आपका जो वुडन क्राफ्ट का, जो हमने आज मॉर्निंग में ही यूज किया, कौन सा था मॉर्निंग में आज हमने यूज किया प्रखर, एक जो लग्जरी प्रोडक्ट था, एक लग्जरी फ्रेग्रेंस मैंने आपको बताया था, अगरवुड, राइट, अगरवुड, ये अगरवुड था आपका, अगरतला, जो आपका त्रिपुरा में एक नई पॉलिसी लाई गई है अगरवुड को लेके, अगरवुड इज अ वेरी वेरी कॉस्टली आपका वुड हो जाएगा। इस वुड में आपका किस तरीके से जो है, इसको हमने आने वाले कुछ सालों में 20 बिलियन तक का हमने व्यापार करने का सोचा है। बिल्कुल बिल्कुल पायल, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी आपको अलग अलग हैंडीक्राफ्ट के, है ना। तो बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही आपको चीजें याद रखनी है। देखो स्टूडेंट मॉर्निंग में किया, करंट अफेयर था, और हैंडीक्राफ्ट भी काम है वो, है ना। तो आप उसको क्या करेंगे, याद रख लेंगे, क्या पता यूपीएससी पूछ ले इस बार की। हैंडीक्राफ्ट का बहुत फेमस चीज है, जो काफी बिलियंस में जो है उसका बिजनेस देखा जा रहा है अपकमिंग ईयर्स में। क्या हो सकता है, अगर वर्ड, याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट कभी पूछ के, और डायरेक्ट कभी उसका कोई सिम्टम नहीं बताया जाएगा, यूपीएससी बहुत चालाक है, ठीक है। तो कभी आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि ये यहाँ पे होता है उसका होता है, अगर वो तो फिर आप बता ही देंगे, अगर से तो है ना, त्रिपुरा में है तो अगरतला है तो अगर से हो जाएगा, तो वो आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन हमेशा घुमा के पूछा जाएगा। तो इनमें से हैंडीक्राफ्ट का हम जो काम करेंगे, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, स्पेशली क्लोथ्स में, क्लोथ्स में बहुत वेराइटी होती है। आप लोग कहाँ कहाँ से आते हैं मुझे ये बताइए, जैसे प्रखर है, प्रखर हमारे जो है चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, तो वहां से कौन सा आपका यहाँ पे क्लोथ टाइप हो जाएगा प्रखर, तो प्रखर बताएंगे कि उनके यहाँ पे फुलकारी होता है, ठीक है ना प्रखर। फुलकारी जैसे एक तरीके का आर्ट वर्क होता है जो हम कपड़े पे करते हैं, काम होता है पंजाब से स्पेशली, है ना। और इसी तरीके से आपका इकत साड़ी, इकत, इकत बोमकई, ये क्या है, ये उड़ीसा से है। और आपका कांजीवरम, ये क्या है, ये सब आपका साउथ इंडिया से है। सो दीज ऑल आर कॉल्ड हैंडीक्राफ्ट, ये सब हैंडीक्राफ्ट बोले जाते हैं, ठीक है। और इन सब का मैं डिटेल में आपको, जैसे तो वैसे तो बुक्स में सब डिटेल आपको बताई गई है कि कौन सा, इतना लंबा लिस्ट यहाँ पे शामिल करना पॉसिबल नहीं था, बट मैं अपने अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि आपको कौन कौन से हैंडीक्राफ्ट का पता होना चाहिए, जो लेटेस्ट है, राइट, जो लेटेस्ट है, उनका लिस्ट में लेके आई हूँ। यहाँ पे देखिएगा इंडियन हैंडीक्राफ्ट का स्टूडेंट, देखो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब से भारत में इन्वेजन आए हैं, जब से भारत में आक्रमण शुरू हुए हैं ना, आक्रमण जब से शुरू हुए हैं, हाँ, तो आपका यहाँ पे किस तरीके से क्या चीजें होती, पहले हमारा जो व्यापार था, जो ट्रेड था ना इंडिया का, वो ट्रेड सिर्फ आपको लगता है कि वास्को डी गामा से शुरू हुआ है हमारा और यूरोप का, उससे कहीं पहले से इंडिया की यही हैंडीक्राफ्ट, यही इंडिया का हैंडीक्राफ्ट का सूरज, जिसका पूरी दुनिया में लोग इंतजार करते थे कि कब इंडिया की कोई चीज आएगी और हम उसको खरीदेंगे, इतना ज्यादा फेमस था थ्रू आउट द वर्ल्ड। और वो लैंड के रास्ते से हमारा ट्रेड होता था एंशियंट टाइम पे, जैसे सिल्क रूट था ना, वैसे ही इंडिया की सब चीजें कैसे जाती थी, वाया लैंड रूट, जिसमें अरब्स का यहाँ पर बोलबाला था, अरब्स उस व्यापार को सेंटर करते थे, उस व्यापार को यहाँ पर ज्यादा सिर्फ उन्हीं का ही अधिकार था, अरब्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इससे क्या बेनिफिट हमें मिलेगा कि अरब जो व्यापार करते थे, जब यहाँ से हैंडीक्राफ्ट बनाई हुई चीजें यूरोप में पहुंची, तो यूरोप वालों ने सोचा कि क्यों ना हिंदुस्तान, जिसमें सोने की चिड़िया बोला जा रहा है, जिसमें सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर इन हिंदुस्तान, राइट, हिंदुस्तान में क्या नहीं है, पहाड़ों से लेकर, रेत से लेकर, सुई से लेकर, एरोप्लेन से लेकर, आपका जो है हैंडीक्राफ्ट से लेकर, आपका टेक्नोलॉजी से लेकर, क्या नहीं है हिंदुस्तान, ब्यूटी। आप किसी छोटे से देश में चले जाइए, सपोज आप यूके ही चले जाएंगे, यूके में सिर्फ बारिश के अलावा कुछ नहीं, कुछ ठंड के अलावा कुछ नहीं, वहां पे कोई वेरायटी है ही नहीं एटमोसफेयर में। इंडिया में इतना वेरायटी है एटमोसफेयर का, देख लो आप, एनवायरमेंट का देख लो, हर चीज का वेरायटी है इंडिया में, इतना डाइवर्स कल्चर है। तो ऐसा डाइवर्स कल्चर पहले जब लोगों को इतना अट्रैक्ट किया, तो सोचो आज कितना ज्यादा होगा, है ना। आज तो हमारा वैसे भी ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो इसी तरीके से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का डिमांड हमेशा से बना रहता है वर्ल्ड के, थ्रू आउट द वर्ल्ड आपका अलग अलग जगह पे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का डिमांड कभी कम नहीं होता। चाहे हमारा चाय इंडिया में थोड़ा लोएस्ट क्वालिटी का मिले, पर बाहर जो चाय जाता है ना आज भी, वो भी वन ऑफ द टॉप क्वालिटी चाय होता है, जो 5000 पर केजी, 6000 पर केजी, इस तरीके से उसका रेट होता है, पता है आप लोगों को। जो हमारा चाय हम बनाते हैं, हम बनाने वाले
और हम जो उसको यूज करेंगे वो हमारा क्वालिटी कम होगा, पर वहां पे जो जाएगा वो क्वालिटी बेस्ट होगा। तो बाहर जो चीजें जाती है ना हमारे देश से, वो बहुत उनकी क्वालिटी बेस्ट होती है, और यही चीजों का ध्यान रखता है हमारा हैंडीक्राफ्ट, राइट। इसमें देखो आपकी कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आपकी है, बिल्ट और क्राफ्टेड यूजिंग हैंड्स, ठीक है, जो हाथों का यूज करके आप यहाँ पर क्या करेंगे, हाथों का यूज करके आप यहाँ पर जो चीजें बनाएंगे उनको हैंडीक्राफ्ट बोल देंगे, ठीक है। मुगल्स के टाइम से ही देखो ग्लास वेयर जो था, सबसे पहले ग्लास का हम बात करते, ग्लास मतलब शीशा। अब शीशा भी जो है हाथ से बनाने के लिए हम हाथ से बनाते थे, और पहले ये महाभारत टाइम से, इसका आपको पता है महाभारत में एक शीश महल था, उसका जो नाम लिया गया था, जिसको देख के द्रौपदी हंस रही थी कौरवों पे, राइट। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, शीश महल ग्लास का नाम वहां से भी मिलता है, पर इसका इम्प्लीकेशन जो हमें इसके सच में इसके जो हमें प्रमाण मिले वो हमें मिले 1000 BC के आसपास। 1000 BC कब, इंडस वैली का जो लेटर पार्ट था उसमें हमें ये सिविलाइजेशन में ये मिले कि हमें हमारे इंडिया में भी ग्लास बनाया जाता था, ग्लास था, ठीक है। और इसके बाद जो है कपड़े का, कपड़े का देख लो आप, कपड़े का एग्जाम्पल कहाँ से मिलता है, आप कपड़े का शुरू कर दीजिए, जो राजपूताना स्टाइल है, जो आपका बांधनी जो कपड़ा स्टाइल हो जाएगा, कपड़े को बांध के उस पर प्रिंट करना है ना, ये मैंने बताया था, ठीक है। छुबी मतलब क्या बोल रहे हैं, शीश महल जी, वो तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा है प्रेम रतन में क्या था। चलिए इसके बाद यहाँ पर वीविंग एंड प्रिंटिंग, और इस तरीके से हाथ, तो आप देखिए आज से लगभग 20 नहीं तो 25 साल पहले, तो जरूर 20-25 साल पहले, अभी तो एकदम खत्म हो गया। आपके घरों में भी आपकी जो ग्रैंड मदर्स थी, मदर्स होती थी, ये स्पेयर टाइम में क्या करती थी, हाथ की काम की चीजें करती, जैसे दरियां बनाना, आपका जो है वूल का कोई कपड़ा बनाना, कोई एम्ब्रॉयडरी करना घर में, पहले ये काम होते थे, बट आजकल ये थोड़ा सा कम हो गए हैं। आजकल जहां तक मैं बताऊं, मेरे पास वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन है, मैं बताऊं अगर हैंडीक्राफ्ट का, हैंडीक्राफ्ट मुझे बहुत पसंद है, बहुत, इंडिया के हर कोने से लगभग एक कुछ ना कुछ हैंडीक्राफ्ट का सामान होता है मेरे पास। तो इसमें क्या है, आजकल मुझे लगता है हैंडीक्राफ्ट का वर्क ज्यादा कौन कर रहा है, या तो जो पुअर है या जो मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, जिसके पास कोई और सोर्स नहीं अपनी इनकम का। अब अगर उसके पास कोई और सोर्स होता है, या तो वो माइग्रेट कर गया होता, वो वर्क कर जो हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहा है, या तो वो माइग्रेट कर गया होगा, सपोज किसी बड़े शहर में चला गया, तो वो किसी और काम में लग गया, अपना हैंडीक्राफ्ट छोड़ दिया। बट जो आज हैंडीक्राफ्ट जो लोग कर रहे हैं ना, या तो वो पुअर है, मार्जिनलाइज है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इतना ज्यादा हैंडीक्राफ्ट पे ध्यान नहीं दे रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह लें, या हमारा हैंडीक्राफ्ट के लिए जो ट्राइबल है, ट्राइबल प्रोडक्ट्स उनके बारे में बात कर लें, ठीक है। हाँ चरखा, बिल्कुल सही कहा, दरिया बनाती थी, क्या बात है, क्या बात है, देखा, तो बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल टॉलरेंस, क्या बात है ना। तो इधर देखो फिर क्या हो गया, तो हैंडीक्राफ्ट की जो बातें हैं ना, हैंडीक्राफ्ट जो काम कौन करेगा, या तो पुअर है, मार्जिनलाइज्ड है, या फिर विमेन ओरिएंटेड हो गया, ज्यादातर जो काम है विमेन ओरिएंटेड, कि घर में वुमेन है, रहती हैं, उनको जो है उस एरिया में वो काम होता है, तो उनसे एक तरह से उनका सोर्स ऑफ इनकम हो गया है, राइट। और ऊपर से आ गया ये लॉकडाउन, ऊपर से आ गया आपका कोरोना, कोविड, तो कोविड में ये हैंडीक्राफ्ट और ज्यादा प्रभावित हुआ है, और ज्यादा वर्सन हुआ है, राइट। इसका जो सिचुएशन है पहले से कहीं ज्यादा आपका खराब हुआ है कोविड की वजह से। तो ये हम चीजें यूज करते हैं हैंडीक्राफ्ट के बारे में बता रही हूँ आपको। फिर अगर बात करें तो और क्या चीजें हैं, पॉटरी, पॉटरी बहुत फेमस है, खुर्जा में चली जाइए, ठीक है, खुर्जा यूपी में एक जगह है पॉटरी जहाँ की फेमस है। तो पॉटरी पहले देखो, पॉटरी बनाने का एक कम्युनिटी है, इंडियन कास्ट सिस्टम है, आपको पता है पॉटरी बनाने के लिए कम्युनिटी अलग से बनाई गई है। वो कम्युनिटी आज क्या करेगी कोई क्यों चाहेगा कि मेरा बच्चा, जैसे मैं धूप में निकलता हूँ, मिट्टी लाता हूँ, वैसे ही मेरा बच्चा भी करे। तो लोग माइग्रेट करना शुरू कर गए हैं, जो लोग पहले जो लोग काम करते थे जितना सलीके से, जितना अच्छे से क्राफ्ट्समैनशिप थी, आज वो कम हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नीड। और जिस तरीके से आपका महंगाई है, आप सिर्फ एक मटका बेच के तो काम नहीं चला सकते ना, आपको कुछ ना कुछ अलग करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जो पॉटर्स होते हैं, वो पॉटर्स किसी और काम में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशन चेंज हो गया है। अब देखो वैदिक पीरियड से ही पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी हमने देखी है, और उसके बारे में हमने बहुत सारी जो है बातें पढ़ी हैं एंशियंट हिस्ट्री में, है ना, पढ़ा है, माइंड फैमिली है, बच्चे ऐसे आजादी के बाद बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल, क्योंकि हाउस होल्ड जब होता है, जब वुमेन ज्यादा इंडल्ज होती हैं बच्चों के काम में या फैमिली के काम में, तो एकदम प्रॉपर हाउसवाइफ होती हैं, तब ऐसा कुछ क्रिएटिव चीजें वो नहीं कर पाती, क्रिएटिविटी तभी कर पाती है तो वो ओवर एज हो जाती है,
है ना, या फिर वो सब जो है सेटलमेंट अपना अलग हो जाते हैं, बिल्कुल बच्चे अलग हैं, पेरेंट्स अलग है, इस वजह से। तो जब स्पेयर टाइम होता है ना, तभी वुमेन ये काम कर पाती है, और या बहुत ज्यादा मजबूरी है कि मुझे करना है, तब वो काम कर पाती है। सुप्रिया जी नमस्कार, करंट अफेयर्स का सोर्सेज बताएं। सुप्रिया जी बताएंगे आपको करंट अफेयर्स का सोर्सेज। आप सबसे पहले कोशिश करें, आप एक बार द हिंदू जरूर कर लें मॉर्निंग में उठते ही। सबसे पहले आपको द हिंदू करना है, ठीक है? द हिंदू इज वेरी मच नेसेसरी फॉर यूपीएससी पर्पस। यूपीएससी के लिए द हिंदू करें। उसके साथ साथ एक आप जो है कोई साइट जो है वेबसाइट प्रेफर करें, कोई भी साइट हो सकती है, वेदर इट इज विजन, वेदर इट इज आपका जो है IAS पार्लियामेंट एंड समथिंग एल्स, कोई भी आपका हो सकता है, जो भी आप प्रेफर करें। और MCQ ट्राई टू सॉल्व, मेरे क्लासेस में आपको सब मिलेगा, ठीक है? एक न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़े, साथ के साथ आप इंडियन एक्सप्रेस चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक मंथली मैगजीन जरूर फॉलो करें, मंथली मैगजीन, ताकि आपको जितना भी जो महीने में हुआ है वो सब रिवाइज हो जाए, ओके, एक बार। और मेरी क्लास सुबह आप 7 बजे ज्वाइन करेंगे सुप्रिया, तो मैं और आपको चीजें बताऊंगी, ठीक है, कि इस न्यूज को कैसे रेफर करना है, आपको कौन सी न्यूज ज्यादा आपको देखना, कि यही न्यूज इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए नहीं है, वो इंपॉर्टेंस मैं आपको मॉर्निंग में ही समझाऊंगी। तो कल आप मॉर्निंग में आइएगा 7 बजे। अब देखो स्टूडेंट्स, अगली बात है, हम बात कर लेते हैं वेरियस क्राफ्ट्स इन इंडिया। भारत में कितनी तरह के क्राफ्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सुप्रिया। एंड वेरियस क्राफ्ट इंडिया में किस तरह के पाए जाते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जरी का। जरी आपने देखा होगा, लड़कियां शादी हो लहंगा पहने और ऊपर से जरी ना हो, पॉसिबल ही नहीं है इंडिया में। जरी मतलब शादी शादी मतलब जरी, ठीक है? तो जरी, जरदोजी, ये जो काम है ये आपका, और बहुत लोग बेवकूफ बनते हैं इसमें, मैंने देखा है लिटरली, लोगों को पता ही नहीं जरी क्या है। तो जरी इज इवन थ्रेड ट्रेडिशनल, देखो ये होता है कई बार चांदी यूज कर लेते हैं जरी में, कई बार मेटल यूज कर लेते हैं, कई बार गोल्ड भी होता है, बहुत कॉस्टली होता है, जो पहले मुगल्स के जमाने पे होता, तो मुगल्स की पैदाइश है ये जरी, ठीक है? ये आपका गोल्ड और सिल्वर से बनाया जाता था ट्रेडिशनली, आज नहीं, ट्रेडिशनली बनाया जाता था, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में पर्शियन कल्चर का ये क्राफ्ट है, ठीक है? ये पर्शियन कल्चर का, जैसे आपका अनारकली सूट्स हो गया, अनारकली जो आपकी शेरवानी है, इस तरीके की जो चीजें जो पर्शिया से हमारे पास आई हैं, ऐसे ही आपका जरदोजी, जरी का भी काम जो है हमारा नहीं है, इंडिजिनस नहीं है, ये हमें पर्शिया से मिला हुआ है, ठीक? अब जो रियल जरी है ये सिल्वर से बनाई जाती है और गोल्ड उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है, वेर सेमी रियल जरी जो है वो कॉपर की बनाई जाती है और सिल्वर और गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग उस पर किया जाता है, ठीक है? देन उसके बाद आपका यहाँ पर सूरत इज द होम ऑफ जरी इंडस्ट्री, और सूरत इज नॉट ओनली होम फॉर जरदोजी और जरी वर्क, इट्स अ होम फॉर ऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, राइट? ज्यादातर इंडिया में जो टेक्सटाइल है वो कहाँ से आते हैं, सूरत से ही, ज्यादातर लोग सूरत से ही तो बेसिकली रिलेट करते हैं जब आपका काम बात आती है हमारी की कपड़े की, तो कपड़ा हम जो खरीदते हैं। आई वॉज ऑल्सो एक्सपर्ट इन हैंडीक्राफ्ट, क्या बात अमरीश जी, क्या क्या खरीदा खुद जैसे बताओ जरा। एक्सपर्ट इन हैंडीक्राफ्ट मतलब बनाते थे या खरीदने में, किस लिए अमरीश जी बताइए, किस लिए आप यहाँ पर बात कर रहे हैं उसकी बताइए। एक और प्रोडक्ट है उसके बारे में बात है, लेदर, लेदर है जितना कानपुर का, आगरा का जो बिजनेस है लेदर से रिलेटेड वो बोल सकते हैं, या लेदर से रिलेटेड एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो आपकी डिनोट करती है, जो वर्क करती है, स्पेशली आप पंजाब में चले जाइए, लुधियाना में जो जुत्तीज होती हैं, जो मोजरीज होती हैं, और लेदर के जो बैग होते हैं। इवन येस्टरडे ओनली मुझे एक बैग ऑफर हो रहा था, बट वो इतना कॉस्टली था और रियल लेदर था, लिटरली मुझे बहुत पसंद आया और मैंने उसको छोड़ दिया, जाने दिया मैंने। एक्चुअली जो चीजें ज्यादा पसंद आती है उसको छोड़ देना चाहिए, जाओ जाओ आप चले जाओ, हमें हम कोई और ढूंढ लेंगे, ठीक है? भारत में हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग योजना मैगजीन पॉइंट्स निकाले, बिल्कुल सही, ये योजना में अलग अलग तरीके के जो है पॉइंट्स आते रहते हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, नॉट ओनली फॉर आर्ट एंड कल्चर, नॉट ओनली फॉर हिस्ट्री, नॉट ओनली फॉर योर करंट अफेयर्स, ठीक है? आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप योजना से ही निकाल सकते हैं, ठीक है? तो योजना, ये कुरुक्षेत्र भी पढ़ना जरूरी है आपके लिए। अब लेदर इंडस्ट्री जो है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया कि लेदर इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा अपना कहाँ पे डिपेंड करती है, कौन सा एरिया है, स्पेशली जैसे आपका यूपी हो गया, लखनऊ कानपुर, इसके बाद जालंधर पंजाब में, दिल्ली है, दिल्ली तो सबका हब है ना, उसके अलावा राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश, मतलब मैक्सिमम स्टेट इंडिया के लेदर इंडस्ट्री का काम करते हैं, जो बिकॉज मैंने वो बताया जो इंडिया का कास्ट सिस्टम, उसमें कम्युनिटी ही दे दी गई है पूरी, कि आप सिर्फ चमड़े का ही काम करेंगे, ठीक है? तो इस वजह से पूरे इंडिया में ही चमड़े का काम होता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी नई नई आजकल ऑनलाइन इंडस्ट्रीज भी लोगों ने एस्टैब्लिश कर दी, तो जो थोड़ा सा अच्छे से काम कर रहे हैं इसमें, स्मार्टली वर्क किया जिन्होंने, वो काफी ग्रो भी किया इसमें।
ठीक है? बिल्कुल प्रखर जी, बिल्कुल हम बोलेंगे अमरीश जी को कि कला का प्रदर्शन कीजिए, गोल्ड की जरी की साड़ी, क्या बात है, राखी बड़ा फॉलो करते हैं अंबानी फैमिली को। मीड, ओके अमरीश जी, क्या बनाते, किस तरीके का, कुछ बताइए, क्या बनाते थे, क्या आप पॉटरी बनाते थे या आप हाथ से कोई एम्ब्रॉयडरी करते थे, क्या करते थे आप, क्या बनाते थे, या जूते ही बनाते थे, क्या बनाते थे, बताइएगा। तो आपका अगला काम हो जाएगा कारपेट। कारपेट मैंने बताया जेएन के, जम्मू कश्मीर से है ना, जम्मू कश्मीर की बहुत फेमस जो चीज है आपका, ऊपर से अपने कालीन भैया, कालीन भैया कहाँ से, मिर्जापुर, तो मिर्जापुर तो अपना फेमस है अपने इसके लिए, ठीक है। ये सुनो जी, ये ऊपर वाले उठा ले मुझे। इसको ओरिगेमी बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट, वो कुछ अलग होता है, कागज के जहाज तो हर बच्चा बनाता है, तो वो सब बच्चे अब हो गए। अरे बाबा, ओ माय होली जीसस क्राइस्ट, ये देखो अमरीश जी को कागज के जहाज बनाना मतलब हैंडीक्राफ्ट हो गया। सेम सेम प्रगत, सेम। इसको हैंडीक्राफ्ट बोल दिया आपने, वो ओरिगेमी है वाइट गर्ल, ओरिगेमी जो जैपनीज एक आर्ट है और कुछ नहीं इससे ज्यादा, वो हैंडीक्राफ्ट नहीं बोलेंगे आप उसको। अरे अमरीश जी, आपने तो मतलब आज का दिन क्या करें इसमें, क्या कहें इसमें, बताओ। चलो जी, बहुत बढ़िया, एटलीस्ट उन्होंने बताया एक बात, है ना। चलो जी, मुझे लगता है हर बच्चा पैदा होते फिर तो वो क्राफ्ट्समैन बन जाता है, क्योंकि वो कागज की नाव तो सब कोई बनाता है, कौन नहीं बनाता, पीयू ने भी बनाई है और हमारी जो पायल है वो भी बनाती है, अलीशा ने बनाई, सब बनाती है अलीशा, इतने दिनों बाद कैसे खराब हो जाते। ऐसे नहीं बोल, ऐसे नहीं बोल अमीर जी, थैंक यू सो मच, हमें इतना आसानी के लिए उड़ाते थे वो, देखो देखो मेरे कुछ स्पेशल होते थे, देखो देखो इनका, देखो नौटंकी, देखो अब पूरा इनका। अरे वाह, आपने तो पुर्तगाली नौकाओं को पीछे छोड़ दिया। ओह माय गॉड। चलिए जी, कारपेट की बात करें तो कारपेट से यहाँ पे देखो कौन कौन से कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया में, वाराणसी है, भदोही है, आपके पास जेएन के मैंने बता दिया, जयपुर, बीकानेर, पानीपत, पानीपत स्पेशली एक है हब है आपका, एक तो वुलन वर्क का, कारपेट्स का, इन कामों का, ठीक है। अलीशा रोज आते हैं, मैंने तो कभी नहीं, अब बहुत दिनों से बाद देखा मैंने, मुझे लगा। एरोप्लेन भी बनाई, अच्छा निकी ने एरोप्लेन, एरोप्लेन बनाते हैं निकी, एरोप्लेन बनाते हैं स्पेशली, सबसे पहला जो ओरिगेमी करते हैं ना बच्चे, वो एक तो कागज की कश्ती, और बचपन का गांव क्या था वो, कोई लौटा दो मेरी कागज की कश्ती, बारिश का पानी, तो ये सब करते हैं। अच्छा, अच्छी बात है अलीशा, दैट्स ग्रेट। कारपेट हो गई, कारपेट के बाद अगली जो चीज हो गई, ये हमारा इंडिया में कहाँ कहाँ, देखो लोकेशन देखते रहना, राखी क्लास को 2 से 3 बार देखना, इसको मैंने जो डिटेल्स लिखा है ना वो डिटेल्स जानना कि मैम ने कौन कौन सी जो जगह है वो बताई है, ठीक है, कारपेट्स के लिए। अगला जो हो गया रग्स एंड दरीज, रग्स एंड दरीज, ये देखो जो निकिता की जो ग्रैंड मदर है वो बनाती थी, मुझे तो आज अमरीश जी की बात पूरा दिन याद आती रहेगी, मैं हंसती रहूंगी अकेले में। और नाव तो कभी डूबी ही नहीं मेरी पानी, अरे बाबा, इसको तो गिनीज गिनीज वर्ल्ड में इसका नाम जाना चाहिए, अमरीश जी कमाल कर दिया आपने तो। कागज की पेन स्टैंड बनाई है, हाँ ये कुछ अलग है, देखो कागज का पेन स्टैंड बनाया है। अब देखो रग्स मतलब जो आपका वेस्ट होता है ना, घर में एक्स्ट्रा कपड़े बच जाते हैं, पुराने कपड़े होते थे, आप उनको चीर फाड़ करके उनका और इस तरीके से दरी बनाते हैं, ये स्पेशल दरी बनाते हैं, उसके लिए अलग से कपड़ा लाया जाता है, ठीक है। तो रग्स उसको बोलते हैं जो आप पुराने कपड़ों का बनाते हैं, दरी वो बोलते हैं जो स्पेशल कपड़ा उसके लिए लाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अच्छा जी, उद्योग मंत्रालय में सेक्रेटेरिएट बना दें, मैंने भी माचिस के डिब्बे से सोफा बनाया था स्कूल के हैंडीक्राफ्ट में, क्या बात है। देखो अब रग्स और दरीज की बात, खास बात क्या है स्टूडेंट्स, कि ये सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक फॉर्म है जो हैंडीक्राफ्ट लगा लो या जरूरत लगा लो गांव के जो लोग हैं उनका, कि उनको जो दरी है बनानी पड़ती थी पहले सर्वाइवल के लिए, इतना नई नई चीजें एक्सपेंसिव वो कर नहीं सकते थे, मार्केट से नई चीजें ला नहीं सकते थे, तो एक तरह से जरूरत होती थी, और फिर ही बाद में अब अपना हैंडीक्राफ्ट हो गया, अपनी पहचान हो गई, विदेशों में जाती है जी, महंगी महंगी दरियां अपनी बनती है। इसके बाद ये पायल रग्स, कॉटन रग्स, अलग अलग कपड़े की बनती हैं, सिल्क में भी होती हैं, और रग्स देखो रग्स और उसमें डिफरेंस होता है, कारपेट समझ आया, दरी हो गया और कारपेट में डिफरेंस होता है, इसको एक मत कर देना,
हम रुमाल से झूले बना देते, बस झूले नहीं कभी रुमाल से झूले, पता नहीं अभी क्या क्या सुनने को आएगा। हमने एक टेडी बनाया था, वाह। पीयू ने कुछ अलग बनाया, सुरभि ने माचिस का सोफा सोफा बनाया था, वाह जी, उस पर तो मुझे बैठना है। ठीक है, बाद में चाहे जो हो मेरा, पर मुझे उस पर बैठना है। इसके बाद देखो, ये हमारा आगरा, भदोही, मिर्जापुर, आपका दरी का जो एरिया है, स्पेशली राजस्थान की दरियां बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये एरियाज हो गए जहाँ पे दरिया फेमस है। हैंडलूम, हैंडलूम सबसे फेमस जी, क्या नहीं हैंडलूम में, इतना साड़ीज, इतनी क्वालिटी का जो है कपड़ा है, साड़ी है आपका। अगर मैं आपको बताऊं आपकी कितनी वैरायटी है इंडिया में, जैसे कि आपका ट्रेडिशनल साड़ीज का कुछ एग्जांपल है, जिसमें आपको एक तो बोमकाई साड़ी उड़ीसा से हो जाएगी, इक्कल कर्नाटका से हो जाएगी, आई हैव वन टेंचोई ब्रोकेट्स, ब्रोकेट्स तो बहुत फेमस, ब्रोकेट्स के कपड़े आज से 4 से 5 साल पहले बहुत ज्यादा फेमस थे। ठीक है, ब्रोकेट तो ब्रॉकेट वैसे चलता है, कुछ कुछ बनारसी जैसा होता है, हार्ड स्टफ होता है काफी, राइट। तो आपके जो डिजाइनर क्लोथ होते हैं उसमें बहुत ज्यादा यूज होता था। कुछ मिट्टी के खिलौने और मूर्ति बनाई है कलरफुल, हाँ ये ठीक है, ये कुछ मतलब थोड़ा सा आपने राहत की, एक सांस आई अमरीश जी, थोड़ा सा राहत दी आपने हमें, धन्यवाद भारतीय कला को जितना देखने के लिए निधि मैम की क्लास के साथ। और क्या है, पोचमपल्ली आंध्रा से है, पोचमपल्ली, ठीक है, पोचमपल्ली जहाँ से हमारी दीक्षिता है वहां से आ जाता है। देन उसके बाद सुनते रहिए ध्यान से मैं क्या बता रही हूँ। इसके बाद कुछ पैठानी की मैंने महाराष्ट्र से बताई दी थी, कसावू जो है हम केरला से बताते थे, जब कसावू, कसावू बताया मैंने, कसावू मुझे बहुत पसंद है कसावू एक्चुअली। ठीक है, दाबू चित्तौड़गढ़ राजस्थान से है, और एक और है जो उपड़े जामदानी साड़ी, जामदानी एक तो प्रॉपर बंगाल से है, जामदानी बहुत ही पतला स्टफ होता है दैट, और उसमें एक बार जो धोएंगे, दो बार धोएंगे तो थोड़ा सा वो उसको ड्राई क्लीन वॉश ज्यादा करना पड़ता है, एक्सेप्ट दैट कि आप उसपे, यस यस ज्ञानेश्वर जी, ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, एम्यूले जी, एलुमने, एलुमले, एलुमले ज्ञानेश्वर जी, देखिए यूपीएससी डू आस्क, ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ पर आपका हैंडीक्राफ्ट हम पढ़ रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर का, और हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या चीजें आती हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। आई एम नॉट टीचिंग ओनली फॉर दरीज एंड कार्पेट्स, राइट, आई एम टीचिंग अ टॉपिक कॉल्ड आपका जो हैंडीक्राफ्ट, राइट। देन इसके बाद आपका हैंडलूम में बहुत सारी जो है साड़ी जाती, साड़ी भी 9 यार्ड्स की साड़ी, 5 यार्ड्स की साड़ी, ये अलग अलग होती है। इसके बाद आपका कितने सारे हैंडलूम्स है, क्लस्टर बने हुए हैं आजकल हैंडलूम्स के लिए, हम क्या कर रहे हैं, तो 230 क्लस्टर है, 41 जिसमें आपकी लगभग 25,000 जो वीवर्स इसमें काम करते हैं। तो वीवर्स को ज्यादा जब तक उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिलेंगी तो वो छोड़ देंगे उस काम को, है ना। अच्छा, लेकिन पता चला शौक के साथ पढ़ा भी जाता है, 6 महीने बाद ड्रॉप आउट, साथ में ये कमीशन में जाने की जद्दोजहद भी थी। अच्छा, कमीशन में जाने की जद्दोजहद, क्या बात है। देखो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है टेक्सटाइल एंड एम्ब्रॉयडरी, राइट। अभी टेक्सटाइल मतलब कपड़े पे जो हाथ की जो एम्ब्रॉयडरी बनाई गई, बहुत तरीके की होती है, कांथा हो गया आपका, नॉर्मल हो गया, फुलकारी हो गया, सब हाथ का ही तो काम है, राइट। देन इसके बाद ये आपका फैब्रिक पे बनाया जाता है, जैसे कांथा है बंगाल से, आपका चिकनकारी है लखनऊ से, आपका कशीदाकारी है जो कश्मीर से, फुलकारी है जो आपका पंजाब से, देन आपका बाराबांकी से है, ये अलग अलग तरह के ये जो हैंडीक्राफ्ट है ये यहाँ पर बनाए जाते हैं एम्ब्रॉयडरी। एक होता है ब्लॉक पेंटिंग, मतलब टेक्सटाइल हैंड प्रिंटिंग, प्रिंट उस पर किया जाता है, जैसे ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, ऐसे ब्लॉक्स पे कलर लगाया, टप्पा लगाया, कलर लगाया, टप्पा लगाया, इस तरीके से। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा कौन सा था, हमारा आंध्र प्रदेश से जो क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में, क्या था बताइए, कलमकारी, ठीक है, तो कलमकारी का काम हो गया, ये इसी तरीके की होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका बांधनी जो साड़ी होती है, बांधनी में क्या होता है कि आप कपड़े को थोड़ा थोड़ा टाई करेंगे अलग अलग जगह से, और उसको फिर एक जगह से उस पर पेंट कर देंगे, ठीक है, उस कलर को, सिर्फ उस बांधी हुई पार्ट को, तो उसको बांधनी बोला जाएगा। तो हैंड प्रिंटेड ब्लॉक से बनाए जाएंगे, उस पर आपका प्रिंट बनाया जाएगा अच्छे से, ठीक है, तो कपड़े को अच्छे से प्रिंट करने का ये भी एक तरीका है, तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो पार्ट हो जाएगा, देखिए काइंडली डू शेयर द क्लास, क्लास को शेयर करते रहिए। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर केन और बेम्बू, केन और बेम्बू मतलब आपका जो केन एक लकड़ी होती है, बेम्बू अलग होता है, राइट, बेम्बू अलग होता है, केन अलग होता है। आपने देखा होगा कई बार ऐसे सोफा सेट सबको मिल जाएंगे, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली ज्यादा यूज किया जाता है, नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इस तरह का जो है फर्नीचर, ठीक है। तो ये फर्नीचर आप देखिए बहुत माना जाता है, रईसी का जो सिंबल माना जाता है। अच्छा, लड़कियां अच्छी बनाती, क्यों जी,
सब कोई बनाता है, जो आई थिंक मुझे लगता है कि हैंडलूम में जो काम करने वाले वो ज्यादातर मेल ही होते हैं, जैसे आपको लगता है ये एक तरह का इसको क्या बोले स्टीरियोटाइप है कि देखो खाना लड़कियां अच्छा बनाती हैं, जबकि जितना दुनिया में जितने भी शेफ है ना वो सब मेल होते हैं, जितने भी हलवाई होते हैं सब मेल होते हैं, तो जी फिर कैसे होता है जो अच्छा काम जो करेंगे ना वो मुझे लगता है ज्यादातर मेल ही कर पाते हैं, फीमेल्स करती होंगी बट वो घर तक लिमिटेड है या समझ लीजिए कि वो इतने बड़े स्केल पर नहीं कर पाती, तो यहाँ पर आपके जो मेल पार्ट हो जाएगा ना मेल ज्यादा अच्छे से मुझे लगता है कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद ठीक है आपका केन और बैम्बू ये कहाँ कहाँ पाया जाता है आपके, इसमें जितने फर्नीचर है वो बन जाएगा, कोई कोई हैंडीक्राफ्ट का कोई ऐसा छोटा सा पार्ट बन जाएगा, कोई ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट का चीज बन जाएगा, कोई ऐसा शो पीस बन जाएगा, तो इन लकड़ियों से आपका बहुत सारी चीजें बनती हैं, स्पेशली असम में गुवाहाटी आपका उधर से आपका जो मणिपुर हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लगभग बैम्बू से काम होता है, बाकी इंडिया में केन भी होता है, नॉर्थ इंडिया में केन होता है। ठीक है, हाँ, सारी चीजों में सारी चीज नहीं होती है, अरे अलीशा जी आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियां इज बैड और वो नहीं कर पाती है, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि जैसे हम लोग गलत सोचते हैं ना कि सिर्फ लड़कियां ही ये काम करती हैं, ऐसा नहीं होता है, लड़के भी वो काम करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक फिलिग्री और सिल्वर वेयर इस तरह का काम होता है, सिंदूर दान हो गया आपका, पान दान हो गया जिसमें पान लेकर लगा रखा रहता है, बहुत सारी चीजें। ठीक है ठीक है, अरे अरे अरे, तो यहाँ पर फिलिग्री जो है एक्सट्रीमली एंशियंट टेक्निक है आपका, लगभग 4,000 साल पुराना, ये आपका सिल्वर का वर्क है, कुछ बर्तन टाइप बनाया जाता है, स्पेशली कहाँ तक लिमिटेड है, करीमनगर आंध्र प्रदेश में, तो करीमनगर तो आपका मुगल्स के टाइम से या एंशियंट टाइम से ही इंपॉर्टेंट एक प्लेस है आपका, जहां पर करीमनगर में मेटल वर्क के लिए फेमस है, करीमनगर इज फेमस फॉर मेटल वर्क, राइट। फिर इसके बाद आपका कटक आ गया उड़ीसा में, इसके बाद जो है प्रैक्टिस इन करीमनगर इज अबाउट 2 सेंचुरीज ओल्ड, लगभग 200 साल पुरानी है, इसके बाद इसमें कॉपर है आपका, वायर ट्रेंचिंग सीड, चारकोल, बहुत सारी चीजों को डाइल्यूट करके अलग अलग मटेरियल से यहाँ पे बनाए जाते हैं। सुरभि जी अच्छा आपने भी भेजा है, क्या भेजा है, हम भी हैंडीक्राफ्ट चीजें बना लेते हैं, बांधनी, अच्छा बांधनी बना लेती है पायल, अरे वाह, हाँ मैम लड़के भी सोचते हैं ऐसे कि लड़कियां ये काम नहीं, नहीं नहीं नहीं, अरे अलीशा प्लीज ये मत करो आप, ठीक है ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, चाहे मेरी चाय को जी आई टैग, ओ माय गॉड मेरा चाय भी चला गया, मैं जस्ट मैंने खत्म ही किया था और अभी तो मैं पानी में से ही काम चला रही हूँ, चाय को जी आई टैग मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल निधि मैम की चाय। सो हम लड़कियों को खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट समझते थे बट आज पता चला कि लड़के हमसे भी बड़ा, हाँ शेफ जो होते हैं ना आपने सुना होगा, शेफ हमेशा मेल ही पाए जाते हैं जो बेस्ट होते हैं, ठीक है लड़कियां भी होती हैं बट वन ऑफ द बेस्ट जो होता है वो लड़के ही ज्यादातर पाए जाते हैं और मेल उसमें अच्छा काम करते हैं, ठीक है खाना बनाने में, खान सामने। ठीक, इसके बाद हमारे नेक्स्ट हो जाएगा मेटल वेयर, मेटल वेयर का हमें बीडरी, बीडर का जो काम है आपको मैंने बताया था, जो देखो ये बीडरी वर्क ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश ये जो एरिया में काम किया जाता है, उसके बाद आपका ये देखो जी ये भी मेटल वर्क का बिडरी वेयर जो काम है, हुक्का वगैरह जो बनाना, हुक्के का जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना ये बनाया जाता था पहले चांदी से और इसमें बहुत ज्यादा काम होता था, आजकल तो सिंपल है आप लोग जाते हैं और जो है कलरफुल कहीं से भी खरीद के ला ले आते हैं, ठीक है और आजकल तो खुद से ही मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं हुक्का अपने घर पे, है ना, तो बड़े आजकल जो चीजें हैं थोड़ी सी आगे बढ़ गई हैं। ठीक है लीशा, इसके बाद जो है आपकी ये सब चीजें यहाँ पर बनाई जाती है राजस्थान से लेकर आंध्रा तक और बहुत ज्यादा, ठीक है हाँ जी बिल्कुल सही कहा आप रखा है। ठीक है, तो ये आपका जो है ज्वेलरी हो जाएगा, ज्वेलरी ये जो आपका जो पहनी हुई है मैडम ने ये तो जो था अकबर फेमस जो ज्वेलरी थी वो थी ना, हाँ जी, तो उसके बाद भी बहुत सारा ऐसी ज्वेलरी है जो अलग अलग टाइम पे फेमस होती रहती चलती है काफी, आजकल देखो मुगल जो ज्वेलरी है ना वो वन ऑफ द टॉप पे ही रहेगी, मुगल ज्वेलरी की बात ही कुछ और है, मुगल के तो शान ही कुछ और है। ठीक है जी, तो क्या बताया, कल ही मैंने एक मुगल पीस खरीदा है और बहुत ही अमेजिंग ज्वेलरी होती है और इसकी अलग ही बात है, आप चाहे कितना भी स्टोन वर्क पहन ले, कितना भी डायमंड पहन ले, गोल्ड पहन ले, बट मुगल का जो आर्किटेक्चर हैंडीक्राफ्ट है ये कुछ बात ही और होती है इसकी, और ये देखिए बहुत ही ट्रेडिशनल और जो है मॉडर्न डिजाइन में होता है, मॉडर्न मॉडर्न नहीं मॉडर्न डिजाइन में होता है, और इसमें आप इंडिया के अलग अलग जगह पे ज्वेलरी का काम किया जाता है, जैसे लगभग नालगोंडा निजामाबाद अब जो हैदराबाद है वहां पे पर्ल्स का काम होता है, और आपका जो एमपी है जो सूरत है वहां पे क्या होता है वहां पे डायमंड्स का काम होता है, तो इंडिया के अलग अलग जगह में
चांदी का अलग से प्लेसेस हैं, गोल्ड के लिए कोई फेमस है, ठीक है, साउथ इंडिया की टेम्पल ज्वेलरी बहुत फेमस है, इस तरीके से ज्वेलरी अलग अलग देश जगह पे भारत देश में फेमस है, ठीक है। और कुछ बात आ गई टेराकोटा। टेराकोटा मतलब जो मिट्टी से जो बनाए, क्ले मिट्टी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो चीजें होती हैं, ये पॉटरी के ही सिमिलर है। इन विच क्राफ्ट्स पर्सन यूज लोकल क्ले अवेलेबल इन रिवर बेड्स और सच एज लैम्प्स, कैंडल स्टैंड्स, फिगर, और ये बनाई जाती है। तो मतलब ये लोकल क्ले, मतलब जैसे आपके पास में कोई नदी जा रही है, नदी पे चिकनी मिट्टी है, वहां पे वो चिकनी मिट्टी उठा के लाए और वहां से खुद से आपने बनाई कुछ, ठीक है। सीसा से जो चीजें बनती हैं उसे क्या कहते हैं? ग्लासवेयर, ताकि ग्लासवेयर बोलते हैं उसको, ठीक है। हरियाणा में अभी कुछ बनता है या नहीं? निकिता, हरियाणा, मैंने बोला ना बहुत कुछ कम चीजें हैं, दूध दही ही वहां पे बहुत होता है, कितना और कुछ चीजों का मौका ही नहीं मिला लोगों को। ज्यादातर वहां के लोग बहुत ज्यादा फिजिकली वर्क में ज्यादा बिलीव करते हैं, क्राफ्ट वगैरह काफी थोड़ा सा मिनिमम पार्ट में ही आता है वहां पे, फिजिकल जो हेवी वर्क होते हैं ना वहां पे। हरियाणा, हरियाणा पूरे देश को फीड करता है गेहूं के लिए, है ना, तो वहां पे सुपीरियर हो जाएगा हरियाणा देश का। जो आपका साइबर सिटी जिसको बोल देंगे हम, गुड़गांव, वो फीड करता है पूरे देश को, वहां की जो टेक्नोलॉजी, जितनी भी इंडस्ट्रीज है सब वहां पे है, MNCs में बोलूंगी, ठीक है। तो आपकी IT, जो एक तरह से IT हब है, तो हरियाणा का। अब गेम्स, अभी गेम्स देख लो, गेम्स में भी अब कल्प्रिया मलिक वो आई थिंक हरियाणा से है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीती है। तो इस तरीके से हरियाणा कहीं से कम नहीं, बट बात ये होती नहीं कि था किसी जगह पे कोई स्टेट ज्यादा होता है, किसी जगह पे कोई स्टेट ज्यादा होता है ना। ये आपका यहाँ पर जो पॉटरी की अगर मैं बात करूं टेराकोटा में, तो आप भी तो जैसे हमने बताया दरिया है वो, और पानीपत है, पानीपत में पानीपत की जो फेमस है चीजें, हैंडीक्राफ्ट भी फेमस है वहां के, मैंने बताया जो वुलन चीजें वो फेमस है ना। और अमर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और टेराकोटा में क्या होता है खासकर, आपका जो है किसी भी तरीके की मूर्तियां बना लेते हैं आप उस गीली मिट्टी से, ठीक है। और इसके बाद फोक पेंटिंग, फोक पेंटिंग मतलब लोग जो आपकी तस्वीरें होती, पेंटिंग होती, चाहे वो किसी भी तरीके, चाहे वो आपकी मधुबनी हो, चाहे वो आपकी मिथिला पेंटिंग हो, चाहे आपकी मंजूषा पेंटिंग हो, चाहे आपकी कलमकारी हो, पेंटिंग्स आपकी जहां जहां अलग अलग तरीके की होती है, उन पेंटिंग्स को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। प्लीज डू लाइक द क्लास। कौन आता है एक डिसलाइक करके चला जाता है, पकड़िए उनको। इसके बाद कौन ड्राइव गोंडी का मैंने बताया था अभी, वहां पर सिंगापुर में उसका जो आर्ट को यहाँ पे काफी नाम दिया गया है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है बार बार। तो दीज आर द फेमस एग्जाम्पल्स, लाइक मधुबनी, लाइक चित्रकार पेंटिंग वेस्ट बंगाल से है, पट्टचित्रा आपका उड़ीसा से है, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। वॉलनट पॉट, लास्ट स्लाइड, अच्छा जी। वॉलनट पॉट कहाँ है, कहाँ है ये वॉलनट पॉट है, ये तो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। ना 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 ना, ना। लास्ट स्लाइड, अच्छा ये वॉलनट पॉट ये वाला कहाँ पे, वॉलेट तो अक्रूड हो गया ना। क्वायर ड्रेस्टिंग, देखो स्टूडेंट से क्वायर क्या होता है, क्वायर एक फेमस इंपॉर्टेंट चीज है, शायद ये इतना नाम में नहीं आता, इतना फेमस नहीं, बट आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप नारियल का पेड़ यूज करते हैं, नारियल के पेड़ से हम क्या पानी पीते हैं और फेंक देते हैं, ठीक है, बट उसका जो नारियल का जो ऊपर का जो शेल होता है, जो हिस्सा होता है, जो कवच होता है, जिसमें ऐसा भूसा टाइप होता है, उससे भी हम बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बना लेते हैं, जिसको हम रस्सियां बोलते हैं और जो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉयर, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कॉयर। ये किससे इको फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा मजबूत है आपके लिए, मतलब बहुत लंबा टाइम तक चलेंगी, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये एक आपका और आपका नेचुरल प्रोडक्ट हो जाएगा जो हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, ठीक है। एक तो होता है जूट, जूट से इसको मत कंपेयर कर लेना, जूट अलग होता है, जूट को हम स्पेशली उगाते हैं और ये वेस्ट है, इस वेस्ट से हम बनाते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का, हैंडीक्राफ्ट का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको आप याद रखना, अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना राखी बार बार, हैंडीक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बुक में से भी करना चीजों को। रेगुलर क्लासेस में आइए स्टूडेंट्स, ठीक है, नहीं भेज रहे घर वाले, बाहर कैसे आऊं। अरे 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 निकिता, ऐसा क्या हो गया? नहीं 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 वो अलग है निकी, आप मुझे मैं जानती हूँ, आप उसको जो जूट होता है, जूट से कंपेयर मत करिए, यही बात मैंने आपको बोला है, कॉयर की कोई चारपाई नहीं बनती है, ये कैसे बनता है? अरे आपने नारियल देखा है ना, नारियल के ऊपर जो होता है क्या होता है, वो एकदम ड्राई हो जाता है, फिर क्या करते हैं उसका, वो ड्राई हो जाता है, अंदर का पार्ट तो आप यूज कर लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, पर वो बाहर का फेंक देते हैं, तो बाहर वाले पार्ट को ही जोड़ जोड़ के ये बनाया जाता है, ठीक है। पीयू, और जिसको भी सेशन पसंद आया नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट करना कंपलसरी है आज के लिए, आज के लिए कमेंट आपको जरूर करना है, ठीक है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे. थैंक यू सो मच. हम भी थोड़ा सा मौसम का आनंद ले. चलिए जी, बाय बाय. आई जी आई से. अच्छा जी, कहाँ आप जा रहे हैं? पटना? झूठ से नहीं, रुको मैं पिक शेयर करती हूँ. हाँ ठीक है ठीक है. वो पटसन होता है. पटसन, पटसन वो एक जूट का पार्ट होता है. ये कॉयर नहीं होता निकिता, दैट्स नॉट कॉयर. ठीक है ना अलीशा, थैंक यू सो मच.